आज हम विंटर स्पेशल पेड़ा की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति वर्मा अपने फूड चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विंटर स्पेशल पेड़ा की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं ये पेड़ों की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं विंटर स्पेशल पेड़ों की रेसिपी। विंटर स्पेशल पेड़ा बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, 250 ग्राम ही तिल लिए हैं, वाइट तिल, और 250 ग्राम ही बूरा लिया है। यहाँ पर तीनों चीजों को मैंने बराबर क्वांटिटी में लिया है। यहाँ पर ये मैंने होममेड मावे का यूज किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको भूना नहीं है। अगर आप मार्केट वाले मावे का यूज करें तो इसको पहले भून लें। पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर तिल को रोस्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर ये मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हमने 1 टीस्पून घी डाल दिया है। घी को मेल्ट होने देंगे। घी के मेल्ट होते के साथ ही हम इसमें तिल डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे तिल को हम इस तरह से भून लेंगे। यहाँ पर तिल में अच्छा कलर आ गया है, तिल रोस्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे तिल को। रोस्टेड तिल को हम बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब इसमें हम मावा ऐड कर देंगे। पाउडर शुगर या बूरा ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम सभी को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। कुछ मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, बादाम को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब हम इससे पेड़े बनाने स्टार्ट करेंगे। इसमें से थोड़ा सा लेकर हम इस तरह से दोनों हाथों के बीच में रख के हम इसको दबा देंगे। अब हम इसमें एक बादाम का टुकड़ा रखकर फिर से इसको प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। ये हमारा इस तरह से एक पेड़ा बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे कैल्शियम और विटामिन से भरपूर इंस्टेंट पेड़ों की रेसिपी बनकर रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।